साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में, और आज नाइट सेशन में एक क्वेश्चन आवर होने वाला है, और वो क्वेश्चन आवर आर सेक्शन का चौथा क्वेश्चन आवर, जिसमें हम लोग 10 के दम के रूप में प्रतिदिन नाइट में 9:30 PM में क्वेश्चन आवर देख रहे थे, उसी की श्रृंखला की अगली कड़ी है। तो उसको शुरू करते हैं। कल और आज कुछ क्लास आपका बाधित हो गया, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी, कुछ कंप्यूटर्स के फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं हो सका कल और आज। लेकिन आज रात्रि का जो अभी हम लोग अभी उपस्थित हैं, ये क्लास चल रहा है क्वेश्चन आवर के तौर पर, इसको देखें। हमने कहा है बार बार कि क्लास तभी अनियमित होता है जब कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जो क्लास लेना संभव नहीं होता है, तभी होता है। तो उसके लिए अदरवाइज ना लें, कोशिश किया जाता है कि क्लास निरंतरता के साथ चलता रहे, आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और ये आर सेक्शन का जो चौथा 10 कदम है क्वेश्चन आवर के रूप में, इसको देखेंगे। और आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर है, मैक्सिमम लोग बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत आसान और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिससे आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे पैटर्न होता है, किस आधार पर क्या प्रारूप है प्रश्नों का, जिसके आधार पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब एग्जाम क्वेश्चन खत्म होगा तो मैं कुछ बताऊंगा कि इसमें किस लेवल के और कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के थे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का ये 11 क्वेश्चन आपके लिए है, और 11 में 11 सही करने का प्रयास करें। बिल्कुल आसान सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत था। ऑप्शन है अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्ते। कौन ऐसा व्रत था जिसको महावीर स्वामी ने ऐड किया, जोड़ा जैन धर्म में या जैन धर्म के अनुयायियों के लिए व्रत का पालन करने का जो नियम था, उसमें एक व्रत पांचवा कौन जोड़ा, महावीर स्वामी ने पूछता है प्रश्न। बहुत सवाल आसान है, सब लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि जो क्लास से जुड़े हुए हैं कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा, वो पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य था। इसके पहले जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने पांच तरह के जो व्रत हैं पांच, उसमें से चार को पहले ही जगह दे चुके थे, जिसमें अपरिग्रह, अहिंसा, अस्ते और इसके अलावा एक सत्य, ये चार व्रत पहले से चले आ रहे थे। लेकिन अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी आते हैं, उन्होंने इसमें एक और ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य को, कि ब्रह्मचर्य भी पालन करना जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक व्रत के तौर पर होगा, और इस तौर पर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पांच व्रत की एक सुविधा या एक प्रारूप तैयार किया गया था, कि जो भी जैन धर्म के अनुयायी होंगे उनको पांच व्रत का पालन करना होगा, उसमें ये चार और एक और सत्य को जोड़ देंगे तो पांचों व्रत की बात आ जाएगी, जिसमें लोगों के मानसिक नियंत्रण और जीवन जीने के तरीके को दर्शाया गया है कि कैसे जीवन जिया जाता है और जीवन में किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो ध्यान रखना है पहला सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट कि इनमें से किसके शासन काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता रहता है। ये सवाल जो दिया गया है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तंबाकू भारत का फसल नहीं है, ये बाहर से आया है, विदेशी लेकर आए थे इसको। तो कह रहा है कि जब विदेशी लेकर आए उसको, तो उस समय ये मुगल काल के चार शासक हैं, तो इनमें से किनका शासनकाल चल रहा था जब तंबाकू की एंट्री हुई, भारत में प्रवेश हुआ, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का? तो आंसर जहांगीर होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि तंबाकू लेकर भारत जो आए थे वो पुर्तगाली थे, ये ध्यान रखना है। ये कहीं कहीं यही सवाल पूछ देता है कि तंबाकू देन है किसकी, तो पुर्तगालियों की, तो पुर्तगाली भारत लेकर आए थे, और जब लेकर आए थे तो उस समय 1605 का समय चल रहा था, तब भारत में तंबाकू का प्रवेश होता है बाहर से, मतलब पुर्तगाल से आया, अपने साथ ही लेकर आए, और वहीं से भारत में धीरे धीरे तंबाकू का विस्तार होने लगा। और 1605 में जो मुगल शासक बैठे हुए थे भारत में, वो जहांगीर का शासनकाल था। तो ध्यान रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में भारत में पुर्तगालियों ने
तंबाकू को यहां पर फैलाया और तंबाकू को विकसित किया, यहां पर प्लांटेशन का कार्य शुरू किया। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो तीसरा सवाल कह रहा कि लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे लाइन शुरू करने का उद्देश्य क्या था, किसके लिए रेलवे लाइन वो लाना चाहते थे या लाया उन्होंने 1853 में बॉम्बे से थाने तक एक रेलवे लाइन बिछाया गया था पहला, जो डलहौजी का एक बड़ा काम माना जाता है। तो वो काम किसके लिए, डलहौजी ने क्या सोचकर किया भारत में, ये प्रश्न भी बीपीएससी का प्रश्न है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना उद्देश्य था, देश में सुविधा का विकास करना उद्देश्य था, स्थानों को बंदरगाह से जोड़ना उद्देश्य था या लोक हित का कार्य करना उद्देश्य था, कि जनता को भलाई हो जाए, जनता को आवागमन सुविधा हो जाए, ये उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था डलहौजी का भारत में रेलवे लाइन शुरू करना, तो उद्देश्य एक ही था, स्थानों को बंदरगाह से जोड़ना, सी, क्योंकि अंग्रेज जो यहां आए थे तो उनको यहां से माल ले जाना था ब्रिटेन या इंग्लैंड, और ब्रिटेन जाने के लिए बंदरगाह से ही आवागमन का काम होता था। अब बंदरगाह तक माल पहुंच सके, जहां पर माल मिल रहा है भारत में अलग अलग जगहों पर, कोयला अवरक ये सब खुदाई हो रही है, मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बंदरगाह तक कैसे लाया जाए, मिनरल्स खनिज संपदा जो भी है उसको बंदरगाह तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि उसको इंग्लैंड भेजा जा सके, इस उद्देश्य से लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में रेलवे का विकास किया और पहली रेल लाइन को शुरू किया। तो ये एक उद्देश्य ध्यान रखना है कि बंदरगाहों से जोड़ना ही उसका उद्देश्य था, व्यापार का उद्देश्य नहीं था, देश हित में सुविधा का विकास करना उद्देश्य नहीं था और न ही जनता का भला हो, ऐसा कोई उद्देश्य डलहौजी काम कर रहा था। डलहौजी का एक ही उद्देश्य था कि हम जोड़ देंगे बंदरगाह से तो यहां से माल हम आसानी से इंग्लैंड भेज सकते हैं, बंदरगाह तक उसे पहुंचाया जा सकता है, इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने काम किया। अब आगे चलते हैं तो कुछ पॉलिटी का सवाल है, कह रहा है कि इनमें कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, द्विसदनीय व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया। कौन सा ऐसा प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। एक चीज ध्यान रखना है कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता के बाद आजादी मिली और पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ब्रिटेन प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव है और सबसे ज्यादा व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो उसमें से कौन ऐसी व्यवस्था है जो यहां पर जो चार ऑप्शन दिया गया उसमें ये ब्रिटेन के संविधान में सम्मिलित नहीं था फिर भी भारत ने अपनाया। तो ध्यान रखना है कि ये लिया गया जो केंद्र राज संबंध है इसको छोड़ दे तो ये तीनों ब्रिटेन से लिया गया, एकल नागरिकता की व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया, जबकि केंद्र और संबंध ऑस्ट्रेलियाई के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होना चाहिए और कैसे शासनिक व्यवस्था का कंट्रोल केंद्र और राज्य के बीच किया जा सकता है, तो ये वाला ऑस्ट्रेलिया से और बाकी तीनों ब्रिटेन से लिया गया, एक इम्पोर्टेंट प्रावधान है। और ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रोविजन जो लाया गया संविधान में वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। तो ध्यान रखना है, केंद्र राज संबंध अक्सर पूछता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया स्रोत के तौर पर देखा जाता है। आगे चले तो पांचवा एक इंपॉर्टेंट कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और एक मौलिक अधिकार, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का। ये अलग बात है कि मौलिक कर्तव्य संविधान का पार्ट पहले नहीं था लेकिन 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर और तब से ये मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जुड़ गया कि सरकार के जो नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए तो उसी तरह से देश के प्रति नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए कि उनका क्या ड्यूटी है देश के प्रति, फंडामेंटल कुछ ड्यूटी भी होना चाहिए कि वो देश हित में काम करें और देश हित की गरिमा के लिए हमेशा तत्पर रहें और उसी के आधार पर अपने को काम करने के लिए देश में अपने आप का निर्माण करें। तो ये कौन सा ये मौलिक कर्तव्य, कितना तरह का ड्यूटी दिया गया है, ऑप्शन है 8, 7, 9 और 11, तो आंसर जो होगा वो 11 होगा। और स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश के आधार पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है और फंडामेंटल ड्यूटी USSR से लिया गया है, मतलब ये सोवियत संघ से उठाया गया और भारत के संविधान में इसको 1976 में जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन मौलिक ड्यूटी का हमारे संविधान में रखा गया
यूएसएसआर से लेकर के। तो स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से कौन चीज लिया गया है, संविधान कैसे फॉर्मेशन हुआ और संविधान में किस प्रोविजन को कहां से उठाया गया, ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये ध्यान रखना है, 11 ड्यूटीज हैं जो आप बुक में देख सकते हैं कि कौन कौन ड्यूटी एक नागरिक का होता है, क्या कर्तव्य है देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का, वो 11 ड्यूटी में वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक सिंपल सवाल है, इनमें कौन निम्न स्तर का मंत्री है? तो मंत्री जो सरकारें गठित होती है चाहे केंद्र में हो राज्य में, तो विभाग का बंटवारा होता है और उसमें मंत्री का पोस्ट दिया जाता है, और मंत्री कई तरह के होते हैं और हर राजनीतिक जो कैरियर बनाते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि मंत्री बने। तो कौन मंत्री बने और कौन मंत्री का क्या पावर है, इस पर डिपेंड करता है मंत्री की लेवल, उच्च लेवल का और निम्न लेवल का। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। तो एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अक्सर पोस्ट के सीनियरिटी के आधार पर सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन पोस्ट सीनियर है, कौन उससे जूनियर है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम। तो यहां मंत्री के सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात है कि कौन अच्छा पावरफुल मंत्री है। तो ध्यान रखना है, किसी भी मंत्रिमंडल में सबसे पावरफुल मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, जो सभी तरह के कैबिनेट के सभाओं में भाग ले सकता है किसी में। दूसरा, इसके बाद बारी आती है राज्य मंत्री की, कैबिनेट मंत्री के नीचे कौन होता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है, मतलब कैबिनेट मंत्री काम देगा राज्य मंत्री को कि क्या करना है। मतलब एक कोई विभाग है, जैसे वित्त मंत्री हो गया तो वित्त में एक कैबिनेट मंत्री होगा फाइनेंस मिनिस्टर, और उसी वित्त में एक वित्त राज्य मंत्री होगा, तो वित्त मंत्री के अंतर्गत वो वित्त राज्य मंत्री काम करेगा, मतलब इससे ये छोटा हो गया। और ये सभी में नहीं लेकिन जरूरत पड़ने पर कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले सकता है। जबकि उप मंत्री ये सबसे निम्न दर्जे का मंत्री होता है, ये किसी भी सभा में मीटिंग में भाग लेने की इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में पूछ दे कि सबसे पावरफुल और सबसे उच्च श्रेणी का तो कैबिनेट मंत्री, और सबसे निम्न श्रेणी का उप मंत्री। राज्य मंत्री में कुछ स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता, उनको अलग एक पोर्टफोलियो ही दे दिया जाता। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो पूछा गया निम्न स्तर का, तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? उप मंत्री होगा। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो सातवां सवाल कह रहा है कि भारत के किस राज्य में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है? भारत के किस राज्य में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है? पहला है उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। कहां है खारे पानी का सबसे बड़ा झील? तो ये ध्यान रखना है कि आंसर उड़ीसा है। क्यों उड़ीसा है? क्योंकि उड़ीसा में एक झील है, नाम है चिल्का झील। पढ़े होंगे आप लोग, इस झील से बहुत सवाल पूछता है। और चिल्का झील जो है इसको पक्षियों का घर कहा जाता है। तो ये भी पूछा है कि पक्षियों का घर कहा जाता है किसको? तो चिल्का झील। और ये चिल्का झील एक झील होता है टाइप में जिसको अनूप झील कहते हैं, तो ये भी याद रखना। इसी का दूसरा नाम लैगून झील भी है, तो लैगून कहे, अनूप कहे, या इसी का तीसरा नाम कयाल झील भी है, ये तीनों पूछेगा ऑप्शन। तो नाम चिल्का झील ही तो एग्जाम्पल है, और ये उड़ीसा में समुद्र तट पर है। ये ध्यान रखना है कि खारे पानी का जो भी झील होगा वो समुद्र के किनारे होगा, चूंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो भारत के सेंस में जाएंगे तो अगर भारत ऐसे है तो भारत में ये उड़ीसा का तट और यहीं पर चिल्का झील का ये एक निर्माण हुआ है लैगून झील के रूप में, जो समुद्र में है इधर बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। तो छोटा सा यहां पर एक पानी को घेर करके झील का निर्माण हो गया है और इसी का नाम चिल्का झील है। तो उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड में जो भी झील होता है वो बर्फ से बनता है और बर्फ का पानी कभी नमकीन नहीं होता है, और ऐसे झील को हिमानीकृत झील कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी झील हैं वो मीठे पानी का झील है, जैसे यहीं पर बुलर झील है जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, यहाँ खारे पानी का पूछा। और जम्मू कश्मीर में जितने भी झील है सब भूगर्भिक संरचना से बना हुआ है, जमीन फटने से पानी अंदर जाता है और उसी से एक जलाशय बन जाता है। तो उस तरह के झील जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, डल झील, बुलर झील, ये सब कश्मीर में। जबकि राजस्थान में पवन अपर्दन क्रिया से बना हुआ झील मिलता है, सांबर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, पिछौला झील, सब राजस्थान में। तो ये सब झीलों का प्रकार है, जिसमें जो चिल्का झील पूछा है वो उड़ीसा के तट पर है और समुद्र के तटवर्ती एरिया में बना हुआ एक लैगून झील का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रखना, यही भारत का सबसे बड़ा
खारे पानी का, जबकि मीठे पानी का पूछता तो जम्मू कश्मीर आंसर होता, और तब आंसर होता मीठे पानी में बूलर झील। तो ध्यान रखना। आगे चले तो आठवां सवाल कह रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कह रहा है एल्युमिनियम के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए, अवरक के लिए। तो खेतड़ी है कहां? तो खेतड़ी है राजस्थान में। ये ध्यान रखना, राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, और खेतड़ी से पुराने समय से ही, शुरुआती दौर से ही तांबा निकाला जाता है। कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है, और कॉपर का कंस्ट्रक्शन प्राचीन काल से ही होता रहा है, और इसलिए खेतड़ी जैसे ही नाम आता है तो वो प्रसिद्ध हो जाता है किसके लिए? तांबा के लिए। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, जिसके लिए झारखंड का कई सेक्टर, कई जगह पर महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मोरी है, पलामू है, रांची है, जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है। जबकि सोना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोलार है, कर्नाटक का कोलार की खान जो कर्नाटक में है। अवरक के लिए झारखंड का कोडरमा, ग्रीडी, डालगंज, ये सब अवरक के लिए भारत में ही नहीं विश्व प्रसिद्ध लोकेशन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आपको तांबा पूछा है तो तांबा राजस्थान, और राजस्थान का कौन सा जगह? तो खेतड़ी। ये ध्यान रखना है। आठवां, नौवां देखें तो कह रहा है इनमें से कौन सी मिट्टी में लंबे समय तक बिना खाद कृषि कार्य हो सकता है। मिट्टी चैप्टर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो उसको बनाएं एकदम कॉन्सेप्चुअली। क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या पूछ रहा है और क्या ऑप्शन है आपके लिए। तो कह रहा है एक ऐसा मिट्टी बताएं जिसमें बिना खाद के लंबे समय तक कृषि कार्य हो सकता है। कछारी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कौन का समूह है जिसमें बिना खाद के, ये पूछ रहा है, बिना फर्टिलाइजर के आप कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन सा होगा? कछारी, लेटराइट, लाल लेटराइट, काली कछारी, काली लेटराइट। तो हमने कहा था भारत में सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और इसके बाद काली मिट्टी। इन दोनों में बिना कृषि कार्य के, बिना खाद के कृषि कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर खादर प्रदेश मिलता है, और खादर प्रदेश में कहा था कि खाद इतना अपने आप होता है कि खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। काली मिट्टी इतना ज्यादा नमी रखता है कि वो बिना तैयार करने वाली मिट्टी के तौर पर यूज होता है। और ये ध्यान रखना कि जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन में ऐसे ही फंसा था, ये एमपी पीसीएससी का एग्जाम, मतलब मध्य प्रदेश में जो कमीशन का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। तो ध्यान रखना है, तो काली भी होगा और कछारी को ही जलोढ़ कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। यहां जलोढ़ तो है लेकिन लेटराइट है। लेटराइट में हमने पढ़ा था कि पानी से पोषक तत्व धूल जाते हैं, मिट्टी बेजान हो जाती है, उसमें उपजा सकते होते हैं। लाल मिट्टी में ऐसे ही उपजाऊ नहीं है, लेटराइट उपजाऊ नहीं है, काली उपजाऊ है लेकिन लेटराइट उपजाऊ नहीं। तो उपजाऊ दोनों है, काली और कछारी। कछारी को ही हमने कहा क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। तो आंसर आपका होगा क्या? 9 का C। दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का सवाल, बहुत सिंपल, कि 20 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है या रहता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का, आरबीआई के गवर्नर का, प्रधानमंत्री का, सचिव वित्त मंत्रालय का। किसका हस्ताक्षर होता है? नोट यूज करते हैं तो नोट से अक्सर सवाल पूछता रहता है, तो कुछ नोट्स की बारीकियों पर ध्यान दें। उस पर चित्र क्या है, कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए, कौन कौन सा जानवर का चित्र होता है, ये सब पूछता रहता है एग्जाम में। तो नोट्स जब यूज करते हैं तो हर नोट्स को ध्यान से देखा करें कि क्या क्या है उसमें। तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो 20 रुपये का नोट है, और यहां पर हस्ताक्षर की बात है, हस्ताक्षर के बारे में पूछता है अक्सर। तो ध्यान रखना है कि नोट दो ही तरह के हस्ताक्षर के हिसाब से, एक एक रुपये का नोट और बाकी एक रुपये छोड़कर अन्य सभी नोट, ये ध्यान रखना है। दो ही तरह के नोट है, एक रुपया का नोट और बाकी दूसरा कोई भी, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का या 2000 का, जो भी नोट है एक को छोड़कर। तो एक रुपये का नोट इन सबसे अलग होता है, और इसी पर सिर्फ वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव का, किस पर? एक रुपये पर। मतलब सेक्रेटरी किसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ये साइन करेगा किस पर? एक रुपये पर। बाकी अन्य सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, किसी भी नोट पर। तो अन्य सभी पर किस पर? आरबीआई के गवर्नर का। तो आरबीआई के गवर्नर 20 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करेंगे, नोट देखेंगे, लिखा हस्ताक्षर करके लिखा रहता है गवर्नर आरबीआई। तो क्यों? क्योंकि ये नोट प्रोविजन का ही दो प्रकार है, एक रुपये के नोट्स को प्रतीक चिन्ह के रूप पर देखा जाता है, तब वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं। जब एक रुपये को हटा दे तो बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता। आगे चले तो लास्ट सवाल आज के 10 के दम का, इनमें से किसका संबंध मुख्यतः आवास ऋण से है?
मतलब एक ऐसा संस्थान जो आपको मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, यही उसका मेन काम है। कौन ऐसा करता? बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लेना होगा तो आपको वहां जाएंगे, आपको लोन मिलेगा। तो आरबीआई करता है, एसबीआई करता है, एचडीएफसी करता है, आईसीआईसीआई करता है। कौन करता? कौन? सिर्फ नहीं, मतलब मुख्य काम उसका, काम तो बहुत कुछ करता है लेकिन मेन काम उसका हाउसिंग के लिए करना है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना है। आरबीआई तो ऐसा काम करता नहीं, आरबीआई तो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, ये बैंक को फाइनेंस करता है या बैंक के लेन देन को देखता है कि बैंक काम कर रही है कि नहीं ठीक से, तो इसको तो कोई लेना देना नहीं। एसबीआई एक सार्वजनिक बैंक है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, ये हर तरह का काम करता है। इसका मुख्य काम बिल्डिंग के लिए फाइनेंस करना नहीं, जबकि ये जो है इस संस्थान का निर्माण ही आवास ऋण के लिए हुआ था। इसका नाम ही है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका नाम ही है, इसी को एचडीएफसी बैंक कहते हैं आजकल। बात शुरू में आवास ऋण के लिए मुख्य रूप से काम करता था, लेकिन 1994 में यह एक बैंकिंग के रूप में काम करना शुरू किया और आज भारत के प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई के बाद सबसे बड़ा बैंक के रूप में आज एचडीएफसी काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, लेकिन इसका मुख्य आधार ये हाउसिंग फाइनेंस करना है, मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, इसलिए नाम भी वही है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये तो उद्योगों से काम करने वाला इंडस्ट्रियल बैंक है, आईसीआईसीआई। तो यही था आज का 10 कदम, इसको देखें, याद रखें। चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें और लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग आगे क्लास में, क्लास जैसे चलता था वैसे चलते रहेगा कंटिन्यूटी के साथ, उसके साथ आप जुड़े रहें। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग के करंट अफेयर के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।